एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या है एनालिटिकल पैराग्राफ? जो कि आपके 5 नंबर का है, ये मैं पहले बता चुका हूं। यहां पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, इनमें से ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर ये ना आए, आप सामने और है, ये आप यहां पे देख लो, आपके सामने सारा का सेट। तो एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपको समझ आ गया। तो आपको मैंने इस सेशन में सारे इंग्लिश की जो कंप्लीट चीजें होता था कि भाई मिड टर्म में क्या है, कैसे है, इस तरीके से पेपर आ रहे, आपकी कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा, पेपर कहां से बनने, कितने कितने मार्क्स का हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से बनने, शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से बनने, प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है, ये एक्चुअली पहले मार्क कर रखा था, अगला एग्जाम में दिक्कत हो गई, फिर सारी चीजें मिड टर्म में क्या क्या सिलेबस है और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से बनते, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है वो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक का जो भी चीज है, इसके बाद इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। एरर करेक्शन कैसा, ये सारी चीजें लॉन्ग क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, कहां से क्वेश्चंस बनने, ये इंपॉर्टेंट मोस्टली जो चीजें थी सारा आपको वन शॉट इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो कंप्लीट देख लो, इंग्लिश का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। चलो मैं इस सब मिलके देखते हैं। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में जो आपके मिड टर्म या प्री बोर्ड या फाइनल उससे रिलेटेड अगर आपने इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहां से कंप्लीट आप पूरे सेशन में आपको एक चीज समझ आ जाएगा कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पेपर आते हैं, क्या सैंपल पेपर है, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस सेशन में मिल जाएगा। तो मेरे भाई क्लास 10th के लिए आप पूरी बिंदास होके इंग्लिश का टेंशन छोड़ दो, आपको बहुत सारी चीजें यहां से पता चल जाएगी। तो मेरे भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मिड टर्म और प्री बोर्ड और ये फाइनल ये आपके कैसा आएगा एग्जाम, ये आपको इसी वीडियो में कंप्लीट पता चलने वाला है। मिड टर्म के सैंपल पेपर और ये फाइनल सैंपल पेपर ये भाई ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप सर्च भी करोगे बस लास्ट मिड टर्म सैंपल पेपर इंग्लिश का बाय SS पार्सल लगाओगे, आपको समझ आ जाएगा। फाइनल जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आ चुका है वो अभी डिस्कस कर लेंगे। पेपर बहुत आसान नहीं आया है, पहली बात ये, क्योंकि आपको लगता होगा कि भाई ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश बहुत आसानी से कर लेंगे, बट मेरे भाई आप लोग गलत सोचते हो। हिंदी इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पे आप अपना हाई स्कोर करके परसेंटेज बढ़ा सकते हो। अगर मैथ साइंस SST में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो आप यहां पे स्कोर अच्छा कर सकते हो। उसी चीज पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा टफ होने वाला है, इजी होने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा। तो इंग्लिश का आपका टेंशन दूर। तो मेरे भाई जितने भी शेयर शेयर नए हो तो बस आपको क्या करना, कंप्लीट देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, बट आप ये समझ जाओ जिससे कि आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एक सिंगल वीडियो से। मेरे भाई ये जो है आप गलत प्रिंट हुआ, वैसे आपके 2024-25 का ही है, ये कोड नंबर 184 है। आप सबको पता है कि सेक्शन ABC तीन सेक्शन आता है, जो कि आपको 20-20 मार्क्स का दो सेक्शन ऊपर के और लिटरेचर आपके अकेले 40 मार्क्स के। जो इस बार मैं आपको लिटरेचर दिखाऊंगा, लिटरेचर देखो जो लास्ट ईयर जो मिड टर्म के लिटरेचर आए थे कुछ इस तरीके के थे, लेकिन जो सैंपल पेपर में लिटरेचर आया ना वो भाई बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्या है वो? बिल्कुल ही आपको डिफरेंट लिटरेचर देखने को मिलता है। तो मतलब कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप होने वाला है, ये मैं अभी आपको बता दूं, क्योंकि पता है सारी चीजें क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्त सबसे पहले ध्यान सुनना मेरे भाई, सबसे पहले आपको सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स जो कि आपके 20 मार्क्स का, राइटिंग स्किल्स जो कि ग्रामर 20 मार्क्स का है, इसमें आप दो चीज डिवाइड कर दो, एक तो ग्रामर आप यहाँ पे 10 मार्क्स का सेपरेट कर लो, और फिर उसके बाद इधर एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया और ये लेटर हो गया, इस तरह की चीजें 10 मार्क्स का हो जाएगा, समझे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद आपके पास ये लिटरेचर, लिटरेचर प्रोस और पीरियड मतलब की वाला एक्सट्रैक्ट वाला, ये आपकी चीजें हो जाएंगी। तो 20 नंबर यहां से, 10 नंबर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स की, जो कि आपके 20 मार्क्स, जो कि दो पैसेज आएंगे, एक आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट पैसेज होगा, एक होगा फ्लेक्चुअल मतलब इमेज या डायग्राम ऐसे करके पैसेज दिया होगा। तो आप लोग को सैंपल पेपर दूंगा तो वहां से पता चल ही जाएगा, जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन मतलब इस वेट होगा, कोई मान लो चार्ट दे दिया, स्टैटिकल डेटा दे दिया और ये टोटल लेंथ दिया गया, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ लिखने भी पड़ सकते हैं, तो इस तरीके के आपके दो पैसेज आ जाते हैं। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई 20 नंबर में से आपको एटलीस्ट कम से कम 16 से 17 नंबर सही करने ही करने हैं, अगर आपने इतना चीज कर दिया तो, समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने आता है जो सेक्शन बी है, जो कि आपको रटी रटाई चीजें पेपर में करनी होती है, वो देखो मैं सीधी सीधी बात है, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर में आपका राइटिंग स्किल्स और ग्रामर आता है। ग्रामर में ये रहा टॉपिक आपके पास, यहां से और यहां से मिला के आपके टोटल 12 में से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें कि एरर की कम से कम आपके सामने एरर के
चार से पांच, चार तीन से चार क्वेश्चन होगा, ये भी पॉइंट याद रखना। एरर करेक्शन ऑलरेडी पहले से बहुत पहले से करवा चुका हूं, उसमें ट्रिक भी है, आप लोग सर्च करके सारे इंग्लिश के कंटेंट देख सकते हो। इधर उधर के चक्कर में मेरे भाई मत पड़ो, क्योंकि बोर्ड है, और मिड टर्म भी हल्के मत लो, क्योंकि इंग्लिश आपके बहुत स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट होते हैं जो कि कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाया जा सकता है। तो आप इन सब चीजों को फोकस करो, जो भी चीज चाहिए बस आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप बाय लगाओ, आपको एक बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट मिलेगा जहां से बच्चे आज तक टॉप करते हुए आए हैं। तो समझे मेरे भाई, तो ये डिटरमेंट्स हो गया, टेंस हो गया, मोडल्स हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो ये दो क्वेश्चन फिक्स ही मान लो, यहाँ पे रिपोर्टेड से दो क्वेश्चन फिक्स मान लो, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आता है कैसे, देखो गैप फिलिंग भी आपके सामने आएगा, एडिटिंग भी आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज भी आएंगे। ये आपके 10 नंबर में से इतने सारे टॉपिक करने हैं, तो 10 नंबर में सिर्फ और सिर्फ चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड फाइनल हो, आपको ये करना है, समझे। उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स के अंदर में आता है, एक तो आपके यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मल लेटर, क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मल लेटर आ जाएगा, जो कि ये आपके 5 नंबर देके जाएगा। उसके बाद ये 120 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। एक आपके पास आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि आपके यहाँ पे 5 नंबर के हैं। तो मेरे भाई ये आपके एनालिटिकल पैराग्राफ अभी बताऊंगा आगे कहां से क्या है कैसे है, तो इन सेशन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको पता चल गया कि इंग्लिश के अंदर में सेक्शन ए सेशन बी में क्या करना है, आपको सिलेबस दिल दिमाग में रट जाना चाहिए मेरे भाई, और इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना। अब आगे चलते हैं, जो आपके सामने लिटरेचर का पार्ट है, जो कि आपका सेक्शन सी, और सेक्शन सी भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे सेक्शन ए और बी मिला के अकेला सी बन रहा है, क्योंकि ये भी 40 नंबर का है और ये भी आपका 40 नंबर का है। यहाँ पे आपके 20-20 हो गए, 20-20, और यहाँ पे आपके यहाँ पे 10 और 10 हो गया, समझे दोस्त। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये 10 आपके ग्रामर वाले और 10 आपके यहाँ पे राइटिंग वाले। राइटिंग में कौन सा, एक आपके यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ, और यहाँ पे टेंसेस से गैप फिलिंग, डिटरमाइन, एरर करेक्शन, ये सारी चीजें, और यहाँ पे आपके चीजें समझ आ गया, समझे दोस्त। तो चलो आगे देखते हैं सारी चीजें, भाई मैं जिस तरह समझा रहा हूँ आप फोकस करके समझोगे तो बहुत आगे सारी चीजें हो जाएगी। सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे, वन एक्सपेक्ट आउट ऑफ टू, मतलब कि दो में से आपको एक करना पड़ेगा, वो आपके 5-5 नंबर के होंगे, मतलब आपको दोनों दोनों बुक में से आएगा, तो ये आपको समझ आना चाहिए। जो एक्सपेक्ट वाले हैं ये आपके पास 5-5 नंबर के दोनों में से, मतलब कि आपको कोई ना कोई, जैसे फर्स्ट फ्लाइट हो गया या फुटप्रिंट हो गया, ये मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको पोएम जरूर पढ़ना है, और इन पोएम से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एक्सपेक्ट वाले, तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद आपके सामने ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप किसी भी सेशन में बैठोगे तो ये अकेला रामबाण है मेरे भाई इंग्लिश के लिए। सबसे पहले देखो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स क्या है, तो मेरे भाई सबसे पहले ये जो आपके सामने है यहां पे कि जैसे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए, कितना 5 में से कितने करने पड़ेंगे 4, तो मतलब ये 4 क्वेश्चन आपके, और ये क्या है आपके मार्क्स, मतलब कि आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि 3-3 मार्क्स का होगा, टोटल 12 नंबर का, और ये जो आपके होंगे फर्स्ट फ्लाइट से होंगे, क्या होंगे मेरे भाई, ये मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, भाई ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आप अपना समय दोगे तो पूरी पूरी सेट हो जाएगी। फर्स्ट फ्लाइट ये रहा यहाँ पे इंग्लिश का, समझे, और उसके इंटर एनालाइज करना है, इन्फ्लुएंस या एवोल्यूशन, ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि भाई फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से 3-3 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन आना है, वो चैप्टर मैं अभी आपको बता दूंगा, तो आप लोग टेंशन ना लो, पूरा फिक्स हो जाओ इंग्लिश के पेपर के लिए, समझे दोस्त। एक तो ये हो गया, उसके बाद आपके सामने फुटप्रिंट में से क्या है दोस्त, फुटप्रिंट्स में से क्या कह रहा है कि 2 मतलब कि 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, दैट मींस कि ये आपका क्वेश्चंस, ये आपके मार्क्स। तो एक पॉइंट समझ आ रहा है यहाँ पे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। फर्स्ट फ्लाइट से आपने देखा कि 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर 12 मार्क्स, लेकिन फुटप्रिंट से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 मार्क्स के, 6 मार्क्स एक आ जाएगा बड़ा क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स, लेकिन टोटली मैं बात करूं तो फर्स्ट फ्लाइट के आपके टोटल 18 मार्क्स हो रहे हैं, समझे। अभी डिटेल तो देखो, सुनो तो मेरी बात, समझे भाई, अगर आपने यहां तक देख लिया है तो एक बार प्लीज लाइक भी कर देना, और अपने इंग्लिश में कितना एक्सपेक्ट करते हो, 80 में से 80 करते हो या यहाँ पे 70 करते हो, ये भी बता दो, या यहाँ पे आप 50 प्लस करते हो, जो भी आपकी पॉजिटिव लेवल है वही बताना, समझे। कॉमेंट चाहिए भाई सभी का, क्योंकि जब तक आप अपने आप से एक प्रॉमिस नहीं लोगे जब तक मार्क्स आपके स्कोर नहीं हो पाएंगे, तो ये पॉइंट समझ आ गया, 3 में से 2 करने हैं। उसके बाद आ जाओ, ये आपके पास 1 करना है,
टू में से, मतलब कि जो ये आपके फर्स्ट फ्लाइट, ये देखो फर्स्ट फ्लाइट से भी और फुटप्रिंट में से भी आपकी दोनों में चॉइस होगा, फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट दोनों में चॉइस होगा, जहां पे आपके 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन है और मेरे भाई यहां पे आपको बेहतरीन आंसर लिखना है, मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट, डोंट वरी। तो सारी चीजें अभी आपको समझ आ गया, सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन सी में क्या है, ये आपके मिड टर्म प्री बोर्ड फाइनल कंप्लीट डन। मेरे भाई अपना तो समझ आ गया ना कि सारा सेशन बस मस्त। अब आगे देखो, अगला कहानी जो है आपके फर्स्ट फ्लाइट में आपके कुछ ये चैप्टर देखेंगे, लेटेंट गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, डैनी एनी फ्रैंक, ओलंपस ऑफ इंडिया, मिस विद द वाटर, मैडम राइड द बस, सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, समझे। अब पॉइंट्स में आ जाओ, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, ये वाला विंड एनिमल, ये वाला शायद कट गया क्या, अमंडा ट्री, फ्रॉग, ये टाइड कस्टर्ड और एनी जॉर्ज वाला, ये हो गया। ट्रंप फुटप्रिंट में से आपके ट्रंप ऑफ सर्जी, थीप स्टोरी, 6 नंबर का यहां क्वेश्चन था, मिडनाइट विजिटर, ट्रस्ट ऑफ क्वेश्चन, 6 नंबर का यहां क्वेश्चन है, फुटप्रिंट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, नेकलेस, भोली या बुक ऑफ सेमिनार, समझे। तो अब पिछली बार सब देखो, हर बार कोई भी नहीं आपके यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं अभी आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि आपके फुटप्रिंट में से जो आपके यहां पे 12 मार्क्स के जो टोटल पेपर होने वाले हैं, यहां पे दो क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के होने वाले हैं, तो 6 नंबर ये हो गया, और यहां पे एक क्वेश्चन आपके होने वाले 6 मार्क्स के, तो आप यहां पे नोट कर लो। सबसे पहले ये थीप स्टोरी में से आपके सामने 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और जो और करके आएगा वो और करके आपके इसमें से आ जाएगा, समझे भाई। तो ये हो गया दो जो क्वेश्चन जो आपके 3-3 मार्क्स के आएंगे, एक तो आपके यहां पे 3 मार्क्स में एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा भोली, और इसमें ट्रंप ऑफ सर्जी से आपके ऑप्शन होंगे, आप ये मार्क कर लो, ये आपके मिड टर्म या यहां पे मिड टर्म हो गया या आप फाइनल, यहां से ही आपके पेपर बनेंगे, इतने 110% गारंटी। कितने भाई क्या वहां पे 100% सीओटी पेपर आए, मिला लेना 3-3 नंबर के ये सारे सेशन, समझे भाई, डंकी चोट पे उतारो। और यहां पे आप आ जाओ कि लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आपको जो आ सकता है, 6 नंबर का आपको इससे देखने को मिल सकता है, या सरमन कट बनारस से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो 3-3 नंबर के जो आप सामने 4 क्वेश्चन है, वो आपके एक क्वेश्चन तो इससे दिखेगा 3 नंबर वाले, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन समझ गए। उसके बाद में आपके सामने एक मैडम राइडर्स एक इससे दिख जाएगा, ठीक है, एक एनी फ्रैंक से आपके 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे, फिर आपके पास एक इधर ट्री में से या बॉल ऑप्शन भी होगा भाई, ऊपर ऐसा मत सोचना ऑप्शन नहीं होगा, एक बॉल पॉइंट से भी आपके 3 नंबर के दिख जाएंगे। मतलब ये एक मेरा एक्सपेक्टेशन है जो आपके मिड टर्म के लिए है, और भाई फाइनल के लिए भी है और प्री बोर्ड के लिए भी है। तो इतनी चीजें भाई विद एनालाइज पेपर तो अभी रखे हुए यहां पे, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें था, उसके बाद आपको एक समय आप समझ आना चाहिए, ये आपके मिड टर्म का पेपर है, क्या भाई, ये मिड टर्म का पेपर है जो आप यहां पर देख सकते हो, ये राइटिंग जो है आपके सामने, ये जो राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ करके जो राइटिंग आया है, ये जो राइटिंग इससे पहले भी क्या है, इसका पूरा पेपर नहीं है क्या भाई, देखो यहाँ पे मतलब फ्रंट पेज नहीं लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइटिंग सेक्शन है आपको 5-5 नंबर में सबसे पहला क्या आया है यहाँ पे कि स्वाति महेश्वरी इतना कल्याणी अपार्टमेंट स्ट्रीट लाइन ये खड़गपुर, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू स्टेट ऑफ योर कॉलोनी, दिस व्हीकल्स ट्रबल्स स्पेंजर्स एंड सम टाइम दे आर द ह्यूज नॉनसेंस एंड नॉसेस, राइट लेटर टू एमएलए, यहाँ पे क्या लिखना आपको, राइट टू एमएलए, मतलब आप जो एडिटर वाला मैंने आपको करवाया उसी फॉर्मेट पे आपको एडिट एमएलए का आया था ये लास्ट ईयर का, उसी में ऑप्शन में आपके पास एक लेटर टू एडिटर भी आया है, तो मतलब आपके पास एक फॉर्मल लेटर फिक्स है लेटर टू एडिटर। अगर आप लेटर टू एडिटर बाय एसएस पार्सल सर्च करोगे तो 9th 10th दोनों के लिए भाई सिंपल सिटी में वो सारे स्टेटमेंट ही आपको याद रखने जो उस वीडियो में बताए गए, आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, तो आप सर्च कर सकते हो, ये पूरे पूरे आपके 5 नंबर हो जाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पे एक आ गया यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ, ये भी कैसे सॉल्व करते ऑलरेडी बता चुका, आप जाके चेकआउट करो, इंग्लिश में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, इंग्लिश में पूरे नंबर खींचने का दोस्त, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डेटा होगा और इस डेटा से आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल पैराग्राफ निकालना पड़ेगा। एनालिटिकल में भी आपको ऑप्शन होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको कोई डायग्राम, पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, हिस्टोग्राम हो, अगर इनमें से कोई चीज समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पे टेबुलर वाला भी कर सकते हो, समझ आ गया मेरे भाई। तो ये अभी तक का सिनेरियो था, मैं डिटेल आपको कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें बता रहा हूं आपको कि पूरा पेपर आपका कैसे आने वाला है। तो दोस्त ये हो गया, फिर यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस ये देख लो, N4 ये जो है आपके यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट से, किससे, फर्स्ट फ्लाइट से 5 में से 4 करना है। देखो
टू स्टोरी मतलब कि आप और फ्लाइंग, इससे भी क्वेश्चन आया, द वॉल से भी क्वेश्चन आया, लेटर टू वर्ड से भी क्वेश्चन आया, डस्ट ऑफ स्नो से भी क्वेश्चन आया, फिर अगला एक ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आया है। तो ये आपको क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो मैंने पीछे बताया आपको, जो मार्क्सिंग वाले में जो चैप्टर पीछे बताया, वो आप करके जाना, सेम टू सेम आपको कुछ ना कुछ आपको 90% मिलता जुलता ही कंटेंट आपको पेपर में मिलेगा दोस्तों, समझे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में ट्रम्प ऑफ सर्जी से और सर्जरी से और ये थ्री स्टोरी से ये आपके पास स्विच में आ गया, और ये एक मिड नाइट रिच था, इनमें से आपको कोई दो करना है, ये मैंने आपको बता दिया, पीछे आप जाके चेकआउट करना। और भाई इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट क्या है, जितने भी चैप्टर हैं इन चैप्टर के समरी आप ना 10-15 पॉइंट में तैयार करो, पूरी पूरी एकदम अच्छे से याद कर लो, और अच्छे से याद करने के बाद क्या करना है, उसको बढ़िया तरीके से टू द पॉइंट, जो एग्जाम सीट्स होते हैं या सीट उधर रखे, जैसे मैं बताऊं अभी आपको, मतलब एक सेकंड रुको, मैं बताता हूं किस तरीके से आपको एग्जाम्स में लिखने होते हैं। तो मेरे भाई ये जितने भी आपको पेपर बताऊं कुछ इस तरीके से लिख के आना पेपर में, जैसे आप देखो, जैसे मान लो कि आप इस तरीके से बच्चे पेपर लिखते हैं, इस वाला एग्जाम सीट होता है ना, एग्जाम सीट कुछ इस तरीके से एग्जाम सीट में लिख के आना, जैसे यहाँ पर मान लो बच्चे टेस्ट देते हैं, तो इस तरीके से एग्जाम सीट आपको लिख के आना है, समझे, इस तरीके से मैं, ठीक है भाई, समझ रहे हो आपको यहाँ पे। भाई बढ़िया तरीके से अगर आप लिखोगे तो भाई बेहतर नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं, जैसे मान लो ये इस तरीके से आप लिख आना, इस तरीके से आप पूरे इंग्लिश का पेपर लिखोगे तो भाई बेहतर से सारी सारी चीजें समझ आएगी। ये भाई ऑफलाइन के आज ही सैटरडे अभी टेस्ट हुआ है, आप लोगों ने शॉर्ट्स भी देखा होगा, तो सारी चीजें ऐसे हैं, लेकिन ये लोग कैसे लिख पा रहे, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इसी तरीके का आंसर लिखना है तो भाई आप क्लास 10th के अपने SS पाठशाला के एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कैटेगरी क्लास 10th में जाओ, वहां पे ई बुक में जाना, आपके टॉपर सीट और आपके CBSE मार्किंग स्कीम रियल वाले, जो आपके मैथ साइंस SST इंग्लिश सभी का पूरा एक पैटर्न बता है कि CBSE मार्किंग कैसे देता है, क्या देता है, कितने नंबर देते हैं, वो आरटी दरबार मंगवाए गए हैं, आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको एक पॉइंट समझ आ गया कि ओवरव्यू क्या है, और पेपर भी मैंने आपको दिखा दिया कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो समझो आपका लाइफ सेट है, और इंग्लिश में 100 में से 100 क्या टोटल फाइनल में 20 स्कोर 80 आपके पेपर में, समझे दोस्त। नेक्स्ट आते हैं जो आपके यहाँ पे स्नैपशॉट, जो आपके यहाँ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पहले बताया मैंने, और ये मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले से भी क्वेश्चंस आ जाएगा, या फुटप्रिंट डॉट फिट से भी, समझे। तो ये आपके भाई जो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिड टर्म का, जो आपके मिड टर्म आने वाले हैं, जो आप यहाँ पे देख लो मिड टर्म के 24-25 के हैं, जिसमें कि आपके लेटर टू वॉर, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आ गया, टू स्टोरी वाला आ गया, फर्स्ट में दो बुक हो गए इसमें, ये एनी फ्रेंड वाला और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो, फायर टाइगर इन द जू, एनिमल और द बॉल पोएम, ये आपके मिड टर्म के हो गया। उसके बाद इसमें जब फुटप्रिंट में आओगे तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीप स्टोरी, मिड नाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ टेस्ट एंड फुटप्रिंट विदाउट फील, एक तो ये हो गया। राइटिंग सेक्शन में डिस्कवरी वही वाली, रीडिंग सेक्शन में ये चीजें हो गया, ये मल्टीपल चॉइस भी होगा। राइटिंग सेक्शन में बता दिया आपको, एक आपके पास फॉर्मल क्या होगा, फॉर्मल लेटर होगा एंड लेटर कल पैराग्राफ होगा, और वही सारी चीजें। अगर आप लोग का कॉमेंट हुआ तो भाई मैं आपको ना इतने कम से कम अगर 50 एरर करेक्शन करवा दिया तो भाई एरर करेक्शन 50 करवा दिया तो वहां से आपको 5-7 क्वेश्चन डेफिनेटली लग जाएंगे, समझे दोस्त। तो ये आपको डिटेल समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ, फाइनल से लेके मिड टर्म तक, अब मिड टर्म से फाइनल तक ये आपकी कंप्लीट जर्नी है इंग्लिश का, समझे भाई। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, है भाई, समझे नहीं समझे। तो चलो भाई, तो आगे कहानी बाकी मेरे भाई, ये मैंने बता दिया कि गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ये सब आता है, ये आपके 4 फॉर्मेशन दे रखा है, ये मिड टर्म मैंने आपको पहले बता दिया। अब आगे कहानी बताता हूँ, जो फाइनल टर्म्स की जो सैंपल पेपर आए हैं वो क्या है। अगर आप लेटर टू एडिटर की बात करूं, अगर आप लेटर टू एडिटर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये 3 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्या है, एक लेटर ये एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट हैव बिकम द लेटेस्ट पार्ट ऑफ स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन, द क्रेज हैज वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द यंगस्टर। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर में एडिटर टू हिंदुस्तान टाइम्स को लिख सकते हो, जो कि 5 नंबर का होगा। एक और यहाँ पे आपके सामने एडिटर है, यहाँ पे एडिटर ऑफ एनी नेशनल डेली ये भी लिख सकते हो। क्या क्वेश्चंस है, सीनियर सिटीजन इन योर नेबरहुड आर वेरी बैडली नेग्लेक्टेड, ह्यूमिलिएटेड देयर ओन सन्स एंड डॉटर इन लॉस, ये सारी चीजें हो गया। ये एड्रेस सारा दे रखा है यहाँ पे, मतलब कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मल आपको मिलता जुलता चीजें आएंगी, जो कि आपको लेटर टू एडिटर में मिलेगा। आपके फॉर्मेट मैं बता चुका हूँ, आप जाके सर्च तो करो, आपको
बस उतना करके जाना है, बी सेक्शन कंप्लीट। फिर आपके सामने यहाँ पे इस तरीके के भी लेटर आपके आ सकते हैं, ये मेन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ये लेटर टू ये नवयुग टाइम्स को लिखना जो पालम रोड ये पीतमपुरा में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यू फाइंड द हीप्स ऑफ द गार्बेज ओवरफ्लोइंग अ चौक गटर्स एंड फ्लोटली रोड्स एंड एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें क्लीन मतलब क्लीननेस ऑफ ड्राइव के ऊपर में आपको कैंपेन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आगे यहाँ पे एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान चेन्नई तमिलनाडु को लिखना है, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिकर हैव बैन इन सम स्टेट हैज ब्रॉट अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, जो लिकर है जो शराब बंद हो गए हैं वो सारी चीजों को बताना कि कैसे गुड इंपैक्ट करता है सोसाइटी के ऊपर में, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। डार्क ऑफ 15 मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको राइटिंग लेटर लिखना है एडिटर। पांच नंबर समझ गए, अब आ जाओ आगे। ये रमेश भाई आपके सामने एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ जो कि आपके पांच नंबर का है, ये मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, इनमें से ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर ये ना आए आप सामने और है ये आप यहाँ पे देख लो, आपके सामने सारा काम सेट। तो एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपको समझ आ गया, सारा चीज गिवन होता है, बस आप एक बार चेकआउट करो। आप इंग्लिश एनालिटिकल पैराग्राफ क्लास 10th बाय एसएस पार्ट सा डालना, आपके सामने वीडियोस आ जाएगी पुरानी, वो कर लेना। पांच नंबर पूरे समझे दोस्त। तो नेक्स्ट आते हैं आपके सामने जो आपके फॉर्मेट क्या, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बॉडी लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है, ये चीज मत भूलना। और बॉडी में भाई आपको सुंदर सी चीजें लिखनी, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ हाईलाइटेड कैची वर्ड्स होते हैं, वो उस पैराग्राफ के वीडियोस में अवेलेबल है, कैसे कैसे होता है। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके सामने एक पैराग्राफ है कि जैसे आप देख रहे हो जो व्हाइट वाली ये जो ये लाइन ग्राफ है ये आपकी बर्थ को दिखा रहा है, ये जो लाइन ग्राफ ब्लैक वाली है ये आपको डेथ को दिखा रहा है। तो जैसे आप मान लो 1901 हो गया, 1921 हो गया, 1941, इस तरीके से 20-20 साल के गैप हो रहे हैं यहाँ पे। फिर देखो कह रहा है द ग्राफ शो द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1901 टिल 2021 टू 1 सिंस 2019 टू 01 द बर्थ रेट हैज द रिमेन हायर देन द डेथ रेट। ये आपको क्या करना था, जो आपने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है आपने क्या करा, पहले आपने डायग्राम इस पूरे चार्ट को पहले एनालाइज किया, आपने देखा यार बर्थ रेट तो हमेशा हाई चलता आ रहा है, किससे, ये डेथ रेट से। वही चीज आपने पूरी पूरी इस फॉर्मेट में लिख दिया, क्या लिखा, दिस ग्राफ शो बर्थ एंड डेथ रेट, जो भी ग्राफ होगा वो कैसे लैंग्वेज में लिखना है ये आपके सामने है, और पूरी पूरी कंपैरिजन करनी है किस तरीके का। आपको डिटेल में आपको एनालिटिकल पैराग्राफ करवा दूं अगर फिर से, तो आप लोग कमेंट करना, आपको चार पांच एनालिटिकल पैराग्राफ अलग अलग पाई और लेके आपको मैं समझा सकता हूं। ये आपके कंप्लीट है, आप इसे स्क्रीनशॉट लो जिससे पता भी चल जाएगा, आप पढ़ भी लोगे, ये इसका आंसर है, कंपैरिजन आप कर सकते हो यहाँ से, समझे दोस्त। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है ग्रामर में, ये सारे सारे टॉपिक्स हैं ये आपको पता है, और पेपर में कुछ इस तरीके से आपके एरर करेक्शन आएंगे। द फेमस सांची स्तूपा इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, द वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर, ये हो गया इसके अंदर में एरर और इसके अंदर में करेक्शन डाल। भाई ये सारे चीजें होंगे, एरर करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से आएंगे, मैं एरर करेक्शन भी आपको करवा दूंगा, टेंशन ना लो। फिर आपके सामने ये जो है आपके सैंपल पेपर 24-25 का, ये आपके पास कंप्लीट ए बी सी मतलब कि ये तो अलग अलग कर दिया इन्होंने, और डी ये हो गया सेक्शन ए बी, ये आपके मतलब आपके तो लिटरेचर वाला टाइप का है, तो ये ईमेल आपने नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना लेटर टू एडिटर आपके पक्के हैं, ठीक है भाई, ग्रामर क्वेश्चंस में। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये आपके जैसे दो होते इलेक्टिव वाला और लिटरेचर वाला, वो है आप देखो क्वेश्चंस जो है आपके ये सैंपल पेपर 2025 के ये जो क्वेश्चंस है किस तरह के क्वेश्चंस है, देखो कहां से क्वेश्चन पूछा है, म्यूजिबल द ऑटर से भी क्वेश्चंस पूछा है आपके सामने, यहाँ पे फॉरेस्ट इन द ट्री से भी आपके क्वेश्चंस पूछा है, लेटर टू गॉड से भी 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछा है, मैडम राइट द बस से भी 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछा है, अमांडा से भी क्वेश्चंस आपके 3 नंबर का पूछा है। कहने का मतलब क्या होगा, इन्होंने इस बार चैप्टर और पोयम को बैलेंस करने की कोशिश की है, तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना चैप्टर और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चैप्टर प्लस में पोयम, इनने क्या करा बैलेंस करने की कोशिश किया है, तो आपको ये चीज याद रखना है। 6 नंबर वाले 3-3 नंबर वाले में जो फुटप्रिंट है, द नेकलेस से क्वेश्चन पूछा है, मेकिंग साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछा है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उसमें देखते हैं बड़े क्वेश्चन कहां से पूछा है मेरे भाई, देखो ये जो आपके दो क्वेश्चन करने क्या करना है, द नेकलेस ये होगा, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हो गया, उसके बाद आपके द बुक ऑफ 7 अर्थ से भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 6 नंबर वाले कुछ किससे पूछा है यहाँ पे, द डस्ट ऑफ स्नो से भी, अब सोचो 6 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर छोड़ के पोएम से भी जा रहा है, तो ये पॉइंट याद रखना।
तो मेरे भाई ये आपके सामने पता चल गया कि किस तरीके से आपके इंग्लिश में पोएम से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको पोएम हो चाहे आपका चैप्टर हो, आपको बैलेंस करके चलना है, समझे दोस्त। तो ये सारी चीज बता दिया और भी आगे बता दूंगा, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई क्योंकि लाइट चली गई थी, समझे मेरे भाई। तो ये सारा चीज आपको इंग्लिश के लिए एक कंप्लीट जो एक सिनेरियो हो सकता है आपको ओवरव्यू पता चल गया। मिड टर्म प्री बोर्ड यही आपको याद रखना है, यही सिलेबस याद रखना है और यही सारी टॉपिक याद रखना है, यही प्रैक्टिस याद रखना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सबसे पहले सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो। और भाई सीबीएसई मार्किंग स्कीम तो भाई आपके लिए मस्ट है, रामबाण है। सीबीएसई मार्किंग से आपको इस तरीके का पेपर ऑफिशियल कितने में से कितने नंबर मिले, क्या मिले, ये आपके इन सभी का मिल जाएगा आपको ई बुक में क्लास 10th के सेशन में। और भाई जो ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है मिड टर्म के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, 90+ का अगर आपका मिशन है ये आपके पास नंबर है, समझे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझाने में सक्षम होऊंगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्त यार में शेयर करना और भाई एक लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाना, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी होगी व्हाट्सएप ग्रुप आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मस्ट फॉलो करना प्लीज भाई। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।